ये टाटा एसी मेगा BS4। इस गाड़ी में प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स ओवरहीटिंग की, ये गाड़ी ओवरहीट कर जा रही थी। ये किसी होस पाइप के फटने के वजह से ये गाड़ी ओवरहीट कर गई। कस्टमर ने किसी मैकेनिक के पास गए और मैकेनिक से देखवाया, उसने बोला कि इसका हेड खोलना होगा और हेड गैसकेट डालनी होगी। उसने मिस्त्री ने हेड खोला और हेड गैसकेट डाल दी, मगर हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं गई। कस्टमर को ये लगने लगा कि ये मिस्त्री ठीक नहीं है। फिर कस्टमर ने दूसरे मैकेनिक के पास गया और वहाँ जाकर दिखाया तो उसने भी बोला कि अब इसका हेड खोलना होगा। उसने भी हेड खोला और हेड का ग्राइंडिंग वगैरह बाल वगैरह का काम करा के लिया, हेड का कट लगवा दिया और उसने हेड का काम करा कर हेड फिट कर दी। हीटिंग की प्रॉब्लम तो उसने ठीक कर दी, लेकिन उसने नया एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। उसने ये किया कि पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, उसने गलती ये किया कि हीटिंग की तो प्रॉब्लम ठीक कर दी, लेकिन उसने एक छोटा सा प्रॉब्लम ये छोड़ दिया फ्रेंड्स कि उसने नोजल का पाइप 2 नंबर पाइप को थोड़ा सा लूज ही छोड़ दी, जिसकी वजह से इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई फ्रेंड्स कि ये इसमें लो फ्यूल प्रेशर बन जाने की वजह से ये इंजन वाइब्रेशन करने लगी और ब्लैक एंड वाइट स्मोक देने लगी। अब ये प्रॉब्लम उस मिस्त्री भाई को समझ में नहीं आया तो उसने ये बोल दिया कि अब इंजन ही करना होगा। तो कस्टमर ने फिर हमारे पास लेकर आया, हमने इसको बारीकी से चेक की तो पता लगा कि इसका 2 नंबर का जो रेल के पास से नोजल का जो पाइप है वो लूज था, इस वजह से इस कार में वाइब्रेशन और नॉकिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने इस पाइप को थोड़ा सा टाइट कर दिया और ये प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो इतना छोटा सा फ्रेंड्स प्रॉब्लम था और मिस्त्री भाई ने ये बोल दिया कि अब इंजन ही करना पड़ेगा। तो छोटा छोटा प्रॉब्लम को अच्छे तरह से चेक करें, छोटा प्रॉब्लम एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है फ्रेंड्स। तो मैं आपको जैसे दिखाता हूँ फ्रेंड्स, इधर से कोई अब पाइप लीकेज नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, बस इसको थोड़ा सा टाइट कर दिया और ये ठीक हो गया बिल्कुल। मिस्त्री ने ये मान लिया था कि अब इंजन नहीं करना होगा और कस्टमर भी ये मान चुका था कि अब हमारे गाड़ी की इंजन नहीं खुलेगी, मगर कस्टमर हमारे पास आया और ये 2 नंबर का पाइप थोड़ा सा टाइट किया और बिल्कुल ओके हो गई गाड़ी। तो छोटा सा प्रॉब्लम एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, ये बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है इसमें। पहले बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर रही थी और स्मोक भी नहीं है, मैं स्मोक भी आपको चेक करा देता हूँ, ये बिल्कुल ओके है, स्मोक बिल्कुल नहीं है। मैं अभी एग्जॉस्ट पाइप के पास हूँ तो ठीक है, धन्यवाद।